गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं वंदना और आप देख रहे हो ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो सुबह सुबह तो ढेर सारे काम रहता है। पहले तो नींद से उठने के बाद थोड़ा सा ग्रीनरी देखो तो आँखों की भी ठंडक पहुँचता है। उसके बाद क्या करती हूँ, सारे पौधे के पानी देना पड़ता है। तो सारे पौधे को मैं पानी पहले डाल दिया और ऐसे पौधे को पानी डालने के बाद उसको उसके पास थोड़े से खड़े रहना, थोड़ा सा देखना अच्छा लगता है। तो पहले पूरे पौधे को पानी डाल दिया, बच्चों को सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो ब्रेकफास्ट एक साइड में दूध और एक साइड में अंडा भी चढ़ा दिया। तो उस टाइम रोटी बनाना था, सब्जी भिंडी और आलू का सब्जी पहले ही बन गया था, सिर्फ रोटी बनाना था। फिर हाँ, घर में हंगामा मच गया। क्या अभी आदित्य को एक पेन ड्राइव चाहिए, और घर में इधर उधर पेन ड्राइव पड़ा रहता है। तो मैं उठा उठा के रखती हूँ, है ना। बच्चों को जब ज़्यादा मिल जाते हैं ना, तो उस चीज़ का केयर नहीं करते। तो मैं उठा के रखती हूँ, मैं बोलती भी हूँ उस टाइम जब मैं उठा के रखती हूँ कि अपना चीज़ ध्यान से रख दो, तो सुनते नहीं। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि बच्चे हैं, ऐसे होता है। लेकिन जब नहीं मिलता ना, तो उन्होंने ही ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं बच्चों को। तो जो भी है, मैं एक तो ढूंढ दिया, कहीं से भी इधर उधर पड़ा रहता है तो ढूंढ दिया, तो उसको निकला टूटा हुआ। और ना मैं जो गुड़हल के पौधे लाए थे नर्सरी से, उसका पॉट तो ठीक ठाक ही है, 8 इंच का पॉट है, लेकिन उसका जो मिट्टी है ना, एकदम चिकना मिट्टी है, बिल्कुल बकवास है। तो मैंने सोचा था कि इसको बाद में ट्रांसप्लांट करूँगी। तो हाँ, उसको बाद में ही ट्रांसप्लांट करूँगी, लेकिन इसका जो मिट्टी है ना, ये डेट वाला जो मिट्टी आता है नर्सरी में पौधे के साथ, ये एकदम चिकना मिट्टी है, और ये पत्थर भी बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ से मिट्टी निकाल के इसके अंदर यहाँ पे खाद डाल दिया। तो इस प्लांट को मैं इसमें ही रहने दूंगी अभी, और बाद में फरवरी मार्च में नेक्स्ट ईयर ट्रांसप्लांट करूँगी। तो अभी तो इसमें ठीक है, मिट्टी निकाल दिया, मतलब 1/3 मिट्टी निकाल दिया मैंने, ये वाला अब देख रहे हो, इतना मिट्टी निकाल दिया। और बाकी ये दोनों पौधे का भी ऐसे ही करूँगी। देखो, ये तीनों गुड़हल का प्लांट का जो मिट्टी था, थोड़ा थोड़ा निकाल के 1/3 पोर्शन निकाल दिया, और उसमें खाद डाल के थोड़ा सा इसको गुड़ाई कर दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। और कोई भी काम करो ना, उस जगह बहुत गंदा होता है, फिर यहाँ पे भी साफ़ करना पड़ा, ये एक्स्ट्रा काम होता है। ये हिबिस्कस का फ्लावर देखा, कितना सुंदर है इसका कलर, पूरा ऑरेंज भी नहीं है, ऑरेंज और रेड मिला हुआ है, और उसके बीच में जो रेड अंदर है ना, उससे और भी खिल के आता है ये कलर। और ऐसे बालकनी में फूलों किसी का ना अच्छा लगता है। और ये साइकस का पौधे देखो, इसका इतना सुंदर नए इसका पत्ते निकला है, और ये सारे अभी बिल्कुल नरम है, जब बड़ा हो जाएगा ना, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, और कांटा जैसा चुभेगा भी। आप कोई भी पौधे का काम करो, उस जगह बहुत सारा गंदा होता है, तो उस जगह धोना भी होता है, तो वो भी धोना पड़ा, क्या करें। सफाई तो मेरा आदत है, पहले तो बहुत सुनते थे छूत की बीमारी है, ये है वो है, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है ये सब चीज़ें। साफ़ सफाई तो होनी चाहिए घर में, जहाँ पे गंदगी करके रखो ऐसे ही छोड़ दो, तो और भी गंदगी गंदा दिखता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आज बच्चों का सेकेंड डोज है वैक्सीन के, वो भी ले जाना है। तो पहले तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ पे जो फोर्टिस हॉस्पिटल है ना बसंत कुंज में, वहीं पे ही बुक किया था। तो वो तो पेट वैक्सीन है, 1250 करके ले रहा है, 1250 रुपये एक का। फिर
कल देखा कोविन ऐप में कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे फ्री वैक्सीन मिल रहा है। एक्चुअली ना कोविशील्ड हो तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो, और कोवैक्सीन को ना रजिस्टर करना पड़ता है, उनके पास मतलब कम रहता है, स्टॉक कम होता है कोवैक्सीन का, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो फिर रजिस्ट्रेशन उसका चेंज कर दिया, 40 के बजाय मैंने गवर्नमेंट स्कूल कर दिया। तो आज बच्चों का वैक्सीन आए, फ्री वैक्सीन, तो वो भी ले आएंगे, लेने के लिए जाएंगे। तो स्लॉट तो 12 बजे से 3 बजे का है। आदित्य का क्लास ख़त्म होगा 2 बजे, तो वो 2 बजे ही जाएगी, और वो 2 बजे ही जाएगा, मतलब हम लोग सब 2 बजे चलेंगे। और रिया का 2 बजे क्लास शुरू हो रहा है, तो बोला मेरा तो क्लास शुरू हो जाएगा 2 बजे से, 2 बजे से 5 बजे तक, फिर से लंच टाइम के बाद। तो वो बोला मेरा तो शुरू हो जाएगा, आप उसको ही देख दो। तो मैंने बोला एक काम करना, तो मोबाइल पे ही क्लास कर लेना, जैसे अभी करते हैं घर में, तो ऐसे ही क्लास चलते रहेगा और आ जाएंगे। तो यही हुआ। तो पता नहीं वैक्सीन देने के लिए मेरे हस्बैंड अगर टाइम मिलेगा उनका तो वो आ जाएगा, और 1:30-2 बजे के करीब तो इनको दे आएगा, नहीं तो मैं ही चले जाऊँगी। लगता नहीं कि उनको टाइम मिलेगा, तो लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चले जाएंगे। कुछ तो चाहिए नहीं है, सिर्फ वो दिखाना होता है आधार कार्ड, बस दे देते हैं। तो यही तो है दोस्तों, ऐसे ही चल रहा है मेरा। अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा सा राइस करूंगी, राइस भी इससे बनाना है, क्योंकि कल दाल और वो आलू परवल की जो रस्सा सब्जी होता है ना, मैं आपसे बात किया था, सॉरी मैं आपसे शेयर किया था सब्जी वो शॉर्ट वीडियो में है, आलू परवल की रस्सा, तो वही सब्जी कल बनाया था, ज़्यादा ही हो गया था, तो वो सब्जी है और दाल भी है। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ राइस कर लूँगी, बस बन जाएगा। उसके बाद खाना बनाने के बाद तो मेन काम होता है ना, वो होता है आपका किचन साफ करना, डेली दोनों टाइम, मतलब दोपहर में भी और रात में सोने के पहले ये किचन साफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं भी खाने का टुकड़ा कुछ भी रहता है ना, उसमें वो कॉकरोच होना या कुछ कीड़ा होने का वो रहता है, तो डर रहता है इसको कॉकरोच हो या कुछ, इंसेक्ट तो आ ही जाता है खाने के लालच में। तो इसलिए डेली दोनों टाइम तो साफ करना है, क्योंकि अगर कॉकरोच फ्री किचन रखना चाहते हो तो आपको किचन साफ करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी खाना इधर उधर गिरा रहेगा तो आपके किचन में कॉकरोच भरा हो रहेगा, भर जाएगा कॉकरोच में। ये तो है, मेरे किचन में नहीं है। एक काम तो अच्छा हुआ YouTube में आने से कि आप लोगों के साथ मैं इसके ज़रिए बातें कर सकती हूँ, मेरे जो भी मेरे मन की बात है वो मैं कह सकती हूँ, जो मैं दूसरों के साथ नहीं बोल सकती, या कोई है भी नहीं यहाँ पे बात करने के लिए। और मेरे हस्बैंड जो है एक्चुअली वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते, आज से नहीं शुरू से, वो कहानी तो अब मैंने आपको बाद में बताऊंगी एक दिन। ये एक यूट्यूब का ज़रिया है जो मैं आप लोगों के साथ में बात कर सकती हूँ, यहाँ पर कोई देखता भी नहीं ये कौन है, आप कौन है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना हम। चलो दोस्तों, बातें बहुत सारे हो गए, अब मैं किचन साफ कर लूँ जल्दी जल्दी, सिर्फ राइस बनाऊंगी और किचन साफ करूंगी। उसके बाद आज तो 3 बार नहाना पड़ेगा, एक बार अभी तो सब काम ख़त्म करके नहाती हूँ, उसके बाद ये पूजा भी करना है, पूजा करके लंच खा के उसके बाद जाऊँगी बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए। वैक्सीन आने के बाद फिर नहाना है,
फिर 5 बजे मैं जाऊंगी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के आने के बाद फिर नहाना है। कोरोना काल में ना ऐसे जितने बार बाहर जाओ उतने बार नहाना पड़ता है, ऐसे ही करती हूँ। ऐसे मैं ही नहीं, मेरी फैमिली में सब करते हैं, बच्चे हस्बैंड सब ही करते हैं, जितने बार बाहर जाते हैं उतने बार नहाते हैं। तो नहीं तो नॉर्मली जब 2 बार ही दिन में हो जाता है नहाना। तो चलो दोस्तों, मैं जल्दी मेरा काम ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ। अब बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी उसका क्लास चल रहा है, देखो उसका हालत, घूम घूम के क्लास कर रही है। और कल ना किसी ने, मेरे हस्बैंड के कलीग ने ना वो कराची बिस्किट लाए थे, गिफ्ट में दिया है ना, हैदराबाद से लाए थे। तो रिया क्या बोल रही है, रिया बोल रही है कि बिस्किट क्यों लाए हैं, बिरयानी नहीं क्या? सुना आपने, उसको बिरयानी चाहिए। लोग अपनी खुशी से दे रहा है, बिस्किट लाए, कुछ भी दे, उसको बिरयानी ले सकते थे, ले आ सकते थे ना बेटा। हाँ, दुखी हो गया बेचारा, बिस्किट नहीं खाती। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी तो हस्बैंड का फोन आया, अभी अभी आया था 5 मिनट पहले, कि मैं घर आ रहा हूँ, बच्चों को रेडी होने के लिए बोलो। तो मैंने बोला क्या रेडी करना है, वो तो है ही, यहाँ पे सामने ही जाएगा, सामने मतलब थोड़ा सा ही है, जाना पड़ेगा एक गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहीं पे ही जाएगा, तो आके नहाना भी है, तो मुझे तो जाना नहीं पड़ा। तो आ रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद 15 मिनट्स वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है, तो वो 15 मिनट बैठे रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी 2 बज रहा है, 2:30 बजे तक दोनों आ जाएगा। अभी तक का तो क्लास चल रहा था, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया, क्या मेरा क्लास चल रहा है देख नहीं रहा हो, अभी जाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से तो नहीं होगा ना, उसका भी 3 बजे क्लास चलेगा, तो कभी ना कभी दे देते हैं ऐसे ना। घर में बैठे तो टीचर्स अपने हिसाब से क्लास देते हैं, उनके जब काम हो तब वो छुट्टी दे देते हैं, सुबह के 1 घंटे छुट्टी दे दिया और उस क्लास को रख दिया 2 बजे से। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट का भी तो काम रहता है ना, तो उनके हिसाब से तो नहीं चल सकता। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया, फिर हमें बोला छोड़ो क्लास, पहले वैक्सीन दे के आ जाओ, फिर क्लास किसी से फ्रेंड से नोट्स ले लेना। फिर हो गए। चलो तो मेरा तो अभी काम नहीं है, बाकी तो नहा के पूजा वूजा कर लिया, तो खाना खाना है, वो लोग आने दो। मैं 2 बज रहा है 10 मिनट बाद ही खा लूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज में जाते हैं ना तो पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के पहले। 3 घंटा कम से कम पेट खाली रखो तो आप आराम से अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं पहले खा लेती हूँ। एक्चुअली मैं 1 बजे 1:30 बजे के करीब खाती हूँ, तो मैंने रिया को बोला था कि बेटा आप लोग खा लो, तो बोले मम्मी आप खा लो, हमारे लिए बैठे मत रहो, मैं और आदित्या आके खा लूँगी। तो वो लोग अभी मैं उनके लिए बैठी रहूँगी, तो बस बहुत गुस्सा हो जाएगा, आके झगड़ते रहेगा क्यों नहीं खाया। तो इसलिए मैं तो खा लूँगी, वो जब आएगा वो खाएगा। अगर मैं आज एक्सरसाइज में नहीं जाती तो उनके लिए वेट करती, बट जाना है इसलिए हफ्ते में 3 दिन जाती हूँ, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है, आज तो जाना ही है। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स आप बताना आपको कैसे लग रहा है, और दोस्तों आप इतना देर देख ही लिया तो प्लीज़ 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 शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल, याद से 2:00 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।